ऋषि की माँ की बात नहीं सुनेगी पहली बार लक्ष्मी, और लक्ष्मी अपना सामान लेकर आखिरी बार ऋषि के पापा को कह दिया कि मैंने माताजी को साक्षी मानकर ऋषि से रिश्ता तोड़ दिया है। ये कहकर लक्ष्मी चली गई हमेशा के लिए ऋषि से और पूरे परिवार से सबसे दूर, और ऋषि को होगा लक्ष्मी के प्यार का एहसास, और ऋषि की माँ और ऋषि के पापा मार देंगे ऋषि को शोर से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलिष्का लक्ष्मी को कहेगी कि ऋषि उसके बारे में क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। ऋषि की पूरी फैमिली को और पूरे परिवार को पता था कि ऋषि मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है, वो भी अभी से नहीं बल्कि पहले से। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी ऋषि का जोर से हाथ पकड़ के माता जी के चरणों के पास खींच कर ले जाएगी और ऋषि से कसम खिलवाएगी और कहेगी कि अब बताओ कि क्या मलिष्का ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। तब ऋषि अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना सर हिलाते हुए कहेगा हाँ। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी माता जी के सामने कसम खाकर कह देगी कि मैं तुमसे माता जी को साक्षी मानकर मेरे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। यह सुनकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी जब अपना मंगलसूत्र तोड़ने ही जा रही होगी तभी वो मंगलसूत्र नहीं तोड़ेगी और सीधे कुछ भी बोले बिना ऋषि का घर छोड़कर हमेशा के लिए सबसे दूर जाने के लिए लक्ष्मी मंदिर से ऋषि के घर के लिए निकल जाएगी, जहाँ पर ऋषि तोड़ते हुए लक्ष्मी के पीछे पीछे जाएगा। लेकिन मलिष्का ऋषि को रोकते हुए कहेगी अच्छा हुआ कि उसे सब पता चल गया, उसे अब जाने दो, अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ है। तब यह सुनकर ऋषि मलिष्का पर काफी ज्यादा गुस्सा होगा और कहेगा कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब गलत हुआ है। तब मलिष्का रोने का नाटक करती हुई और जिद करती हुई कहेगी कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हें मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है और मैं ही गलत हूँ। तब ऋषि गुस्से से फ्रस्ट्रेट होते हुए कहेगा कि मलिष्का तुम क्यों मेरी हर बात को समझते नहीं हो, गलत है हमारी शादी। यह सुनकर मलिष्का के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन जब लक्ष्मी ऋषि के घर पहुँचेगी तब सब लोग लक्ष्मी के सुरक्षित घर आने की पूजा करेंगे और काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन आते ही लक्ष्मी जब किसी को भी बोले बिना चलती चलती हुई अपने कमरे की ओर जा रही होगी तभी सब लोग लक्ष्मी से पूछेंगे कि क्या हुआ है लक्ष्मी। तब लक्ष्मी कुछ बोलेगी नहीं, बस चलती जाएगी। लेकिन जब आखिर में ऋषि की माँ लक्ष्मी को कहेगी रुको लक्ष्मी, तब लक्ष्मी पहली बार ऋषि की माँ की बातें नहीं सुनेगी और तुरंत ऋषि के कमरे से अपना सामान लेकर नीचे आएगी और सीधे ऋषि के बाबूजी को कहेगी कि मैंने माताजी के सामने माताजी को साक्षी मानकर ऋषि से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। यह सुनकर ऋषि के पापा और सबसे ज्यादा ऋषि की माँ को काफी बड़ा शौक लगेगा, जिसके बाद जब लक्ष्मी सबसे एक बड़ा सवाल करेगी और कहेगी कि क्या आप सबको पता था कि ऋषि पहले से मलिष्का से प्यार करता है, तब कोई भी यह सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। और लक्ष्मी आखिर में अपने बाबूजी जैसे ऋषि के पापा से पूछेगी और कहेगी कि क्या आपको पता था। तब ऋषि के पापा अपने दिल पर पत्थर रखते हुए लक्ष्मी को कहेंगे हाँ मुझे सब पता था। तब लक्ष्मी रोती हुई चिल्लाकर कहेगी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, हमारा रिश्ता तो पहले जुड़ा था ना, बाबूजी बेटी का रिश्ता जो सारे रिश्ते के दर्जे में सबसे ऊपर होता है, और एक बाबूजी अपनी बेटी के साथ कभी गलत नहीं होने देता, और आपने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, इसीलिए आपको मैं क्या ही कहूँ, आप मेरे बाबूजी के लायक हो ही नहीं। और कहेगी कि मैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही सबसे बड़े धोखेबाज निकले, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये दुनिया मेरे लायक है ही नहीं, या तो फिर मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ। ये सुनकर ऋषि के पापा रोते रहेंगे और लक्ष्मी अपना सामान लेकर घर के बाहर हमेशा के लिए ऋषि के घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जब ऋषि घर में आएगा और ऋषि के दिल में लक्ष्मी के जाने का कोई भी जरा सा भी अफसोस नहीं होगा, तब ऋषि के पापा ऋषि को जोर से तमाचा मार देंगे और लक्ष्मी को ऋषि से और उसके पूरे परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए क्या नहीं, और ऋषि को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और ऋषि को मलिष्का के साथ रहकर लक्ष्मी के प्यार का एहसास होना चाहिए क्या नहीं, और आपको अब ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।